नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की बड़ी खबरें हैं, उसमें राजेंद्र पाल गौतम जो बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, आम आदमी पार्टी में सोशल जस्टिस मंत्री थे, दिल्ली में विधायक भी हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले राजकुमार आनंद, वो भी आम आदमी पार्टी से थे, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो देश भर में आप देखेंगे तो जैसे जैसे सामाजिक चेतना आ रही है, सोशल जस्टिस की समझ बढ़ रही है, और जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी की नज़र है इन नेताओं पर, और वो युद्ध स्तर पर। सोचिए, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया है, जाति जनगणना की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है हम 27 ओबीसी मंत्री बनाएंगे। तो क्या समाज का भला होगा कांग्रेस और बीजेपी से? और कांग्रेस और बीजेपी में जो ये होर मची है दलित पिछड़ों को अपने पाले में लाने की, यहाँ तक कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग, किसान समाज के लोग कल तक खूब लिखते थे बीजेपी के खिलाफ या सरकार से सवाल पूछते थे, उनको भी जैसे दिलीप मंडल को मौका दिया जा रहा है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे आज। टीना डाबी सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। चंद्रशेखर वियना गए हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और 11 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद की रैली है, ये भी बड़ी खबर है। 17 सितंबर को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम बुद्धिस्ट समाज के लोग, धम्म के लोग जुट रहे हैं, वो भी बड़ी खबर है। वहीं जंतर मंतर पर भी लगातार ओबीसी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बात नेताओं की करेंगे। हाल के दिनों में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक एकजुट हुए हैं, और धीरे धीरे ही सही दलित पिछड़ों की राजनीति तेज तो हो रही है। आज विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो तो कयास लगाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से मीडिया इसे बता रही है, जाट वर्सेज नॉन जाट की जो राजनीति है हरियाणा में, जाट समाज तो कांग्रेस के साथ है, लेकिन वहाँ दलित समाज को और कांग्रेस ने नहीं साधा, और खासकर ओबीसी समाज को नहीं साधा, तो फिर कांग्रेस के लिए इतना कुछ नहीं होगा जितना आपको दिखाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया का दो ही चरित्र है, या तो बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसपी ने वहाँ इनोलो से गठबंधन किया है, देवीलाल के परिवार की पार्टी है, उनके बड़े बेटे से गठबंधन किया है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और बीएसपी 21-22% वोट है वहाँ बीएसपी के पास, और उसमें अगर जाट समाज का वोट और ओबीसी को टिकट देने की कोशिश हो रही है जिस तरह से जुटेगा, तो वहाँ भी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी अच्छा कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन किया है, दुष्यंत चौटाला पिछली बार 10 सीटें लगभग जीतने में कामयाब हो गए थे, और उन्होंने बाद में बीजेपी का समर्थन किया था। तो हरियाणा में जो दिख रहा है वैसा कुछ है नहीं, अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है कांग्रेस का तो बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी, तो उतना सब कुछ साफ नहीं है, चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, और ट्रायंगुलर जब मुकाबला होगा तो बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जो दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उसमें जिस तरह से लगातार राजेंद्र पाल गौतम नो डाउट एससी एसटी ओबीसी की सामाजिक समझ वाले नेता हैं, धम के प्रचार प्रसार के लिए जागरूक हैं, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, जिसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा जाता है, बड़ा रिचार्ज कांग्रेस, मिडिल रिचार्ज बीजेपी, और छोटा रिचार्ज कहा जाता है जो जानकार है बहुजन आंदोलन के, जो सोशल जस्टिस के जानकार है, वो लोग कहते हैं कि आरएसएस का बड़ा रिचार्ज जो है वो कांग्रेस है। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि सिस्टम हमारा है, सरकार आती जाती रहेगी। तो आरएसएस का छोटा रिचार्ज, बड़ा रिचार्ज कांग्रेस, मिडिल रिचार्ज बीजेपी है, और छोटा रिचार्ज आम आदमी पार्टी में ममता बनर्जी हैं। तो अब कांग्रेस में गए हैं राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ऐसे नेताओं को क्यों नहीं जगह देती है। अभी बिहार में देखिए, प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के पीछे पड़े हुए हैं, और जिस तरह से वो दलित पिछड़ों अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे हैं, अगर वोट में डेंट लगाते हैं तो सारा वोट आरजेडी का नुकसान होगा, ये तो तय है, और बीजेपी का सत्ता में आना लगभग तय हो जाएगा कि अगर नीतीश कुमार उस तरफ रहते हैं तो। लेकिन वही कई तरह के सुबुगाहट है, लेकिन नीतीश कुमार की अपनी एक राजनीतिक समझ है, लालू यादव की अपनी एक राजनीतिक समझ है, तो अभी दलित पिछड़ा उतना भी बिहार में हाशिए पर नहीं है, उनकी एक राजनीतिक सामाजिक चेतना है, समझ है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, इनकी एक राजनीतिक समझ है,
और खुद बीजेपी में भी जो बैकवर्ड नेता है उनकी भी एक राजनीतिक समझ है, तो पीके के लिए इतना आसान नहीं। लेकिन सवाल है कि जो नए लोग हैं, जो जैसे अभी तेजस्वी यादव कुशवाहा प्रियांशु से मिले, उसके बाद उन्होंने पटेल से मुलाकात की, ये अच्छी बात है। जो आपके युवा हैं, जो आपके तेज तरार युवा हैं, जो आपके लिए बोल रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। लेकिन पीके का जिस तरह से लगातार वहाँ शानदार तरीके से पीके ने कैंपेन शुरू कर दिया है, टीवी अखबार उनके साथ है, टीवी अखबार जिस तरह से उनको दिखा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और ये सब एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत होता है। तो आज भी सवर्ण समाज के लिए राजनीति करना आसान है कंपेयर टू दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी कोई भी हो, SC ST OBC के लिए बहुत मुश्किल होता है। राजनीति का सफ़र हो, नौकरी का सफ़र हो या बिजनेस का सफ़र हो, आपको जातिवादी व्यवस्था जो है वो इतनी आसानी से सर्वाइव करने नहीं देगा। लेकिन धीरे धीरे ही सही वोट की ताकत लोग समझ रहे हैं, सोशल जस्टिस की ताकत समझ रहे हैं, और SC ST OBC के लोग एकजुट हो रहे हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत हालात जो हैं वो बदले हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इसको लेकर एक एक करके बताऊंगा। और सोचिए, ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट का एक सर्वे है, ये है भारत प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, IIT भुवनेश्वर का डेटा है। जनरल के 80% लोग वहाँ, OBC के 12%, SC 5%, ST 0 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग 0 हैं। तो फैकल्टी नहीं है वहाँ। सोचिए, ट्राइबल की संख्या इतना ज़्यादा है, उड़ीसा में ट्राइबल मुख्यमंत्री बन सकता है, उड़ीसा के ट्राइबल महामहिम राष्ट्रपति हो सकती हैं, लेकिन IIT भुवनेश्वर में एक भी ट्राइबल फैकल्टी नहीं है। एक तो इन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, और जब ये पढ़ लिख गए हैं 75 सालों में, तो इन्हीं को NFS और नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जाता है। आपको एक राष्ट्रपति बना दिया जा सकता है, मुख्यमंत्री बना दिया जा सकता है, लेकिन आपके समाज का भला नहीं होता दिख रहा है। वो भी क्योंकि जो इन बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो जब तक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आज महामहिम राष्ट्रपति एक बार बोले कि क्यों नहीं है वहाँ IIT भुवनेश्वर में शेड्यूल ट्राइब, तो बात बनेगी। वो आज मुख्यमंत्री बोले कि क्यों नहीं है, लेकिन RSS, BJP या छोटा रिचार्ज चुन चुन के ऐसे लोगों को लाते हैं जो इस तरह की बात ना बोले। महामहिम राष्ट्रपति से कम उम्मीद है कि वो जरूर बोलेंगी। और यह है माधवीपुरी बुच जो हैं वो अभी SEBI की प्रमुख हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहले तो ये पहली ऐसी महिला है जो बिना IAS वहाँ चली गई। दूसरा खुलासा ये हुआ कि ये तीन तीन जगह से सैलरी ले रही थी, ICICI बैंक से भी ले रही थी और SEBI से भी। बाद में कहा कि इनको पेंशन मिला है। अब माधवीपुरी बुच का पेंशन जो है वो सैलरी से ज़्यादा है। सोचिए, अब नया खुलासा ये हुआ है कि माधवीपुरी बुच, जिसकी जांच कर रही थी, एक कंपनी है कार्लो इन्फो सर्विस लिमिटेड, तो इनको अपना घर किराए पर दे दिया। जिस कंपनी की जांच कर रही है उसी को घर किराए पर दे दिया। 18-19 में उनको किराया मिला 7 लाख साल में, 19-20 में उनको मिला 36 लाख, और 24 में किराया बढ़कर हो गया 46 लाख रुपये। तो सोचिए, ये इस तरह से लोग कैसे बढ़ते हैं आगे, और हम जैसे लोगों के खिलाफ रोज नोटिस आता है। तो ये सोशल मीडिया पर खबरें जो हैं वायरल हैं। ये तस्वीरें हैं राजेंद्र पाल गौतम की, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और सवाल है कि जब SC ST सपा बसपा RJD JDU JMM में इस तरह के वोकल नेताओं का, सामाजिक आंदोलन से जुड़े नेताओं का सम्मान नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और अब ऐसे वोकल नेताओं पर अब BJP कांग्रेस की नज़र है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीर है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद विदेश दौरे पर हैं, वियना गए हैं, वो ऑस्ट्रिया गए हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए हैं, और संत गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले एवं मान्यवर साहेब कांशीराम जी के सहयोगी रहे, कौम के शहीद संत रामानंद जी के शहीदी स्थान पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचकर आज उनको नमन करके मन बहुत सुकून मिला। और आज सोशल मीडिया पर टीना डावी और उनके पति जो हैं प्रदीप गवारे, वो बहुत फेमस उनकी चर्चा हो रही है, छाए हुए हैं, और पश्चिमी राजस्थान में उनकी पोस्टिंग हुई है। टीना डावी को बाड़मेर, तो प्रदीप जी को जिला कलेक्टर बनने पर बधाई। तो ये बाड़मेर में उनकी पोस्टिंग हुई है। टीना डावी को बाड़मेर, तो प्रदीप जी को जालौर।
जालौर में नई जिम्मेदारी मिली है, तो वो शोषित वंचित समाज से आते हैं और समाज में उनकी बड़ी पैठ है और लोग उनको प्रेरणा स्रोत देखते हैं। टीना डाबी टॉपर हुई थी, तो इसलिए सोशल मीडिया पर ये भी खबर जो है आज वायरल है। और महान चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट राजा मिहिर घोष जी की जयंती पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ये आकाश आनंद ने लिखा है। और दिलीप मंडल ने नालंदा की तस्वीर लगाई है, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, लिखा इस समय तक तो दुनिया के ज़्यादातर लोगों को कपड़ा पहनने नहीं आता था जब भारत सिविलाइज था। तो ये भी खबर जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और यूपी में सोचिए एम्बुलेंस में गैंग रेप की कोशिश हुई है, गैंग रेप की कोशिश हुई है। उनके एक महिला थी जो अपने पति को एम्बुलेंस से ले जा रही थी, उनके पति को मास्क हटा के नीचे फेंक दिया गया, उनकी मौत हो गई। महिला से गैंग रेप की कोशिश हुई है। और उज्जैन में तो सड़क पर रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। ये सब दर्दनाक खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सवाल है कि दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक जो हैं उनकी जो पार्टियां हैं तमाम जो एक्टिविस्ट हैं उनको अगर आप मौका नहीं देंगे तो इसी तरह से वो किसी न किसी पार्टियों में जाते रहेंगे। और अभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो वहाँ सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, उनको लगता है कि इन्होंने समाज के लिए आवाज़ उठाई है तो हमें इनको अपनी पार्टी में जगह देनी चाहिए। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों के जो नेता हैं उनको दिल बड़ा करके ऐसे तमाम SC ST OBC के जो बड़े सोशल पॉलिटिकल क्रूसेडर हैं, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, उनको जरूर अपने साथ लाना चाहिए था ताकि उनका घर और मजबूत होने। तो कहते हैं कि घर फूटे तो पड़ोसी लूटे, बहुजन जनता के साथ यही हो रहा है, उनके नेता आपस में बटे हुए हैं इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। सोचिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी हो सकते हैं, उड़ीसा से महामहिम राष्ट्रपति हो सकते हैं आदिवासी, लेकिन उड़ीसा IIT उड़ीसा में एक भी आदिवासी फैकल्टी नहीं है। तो सोचिए महामहिम एक होंगी, मुख्यमंत्री एक होंगे, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो दिया जा रहा है लेकिन जो नौकरी है, बिजनेस है, स्पोर्ट्स है, सिनेमा है, जिससे आम आदिवासी दलित पिछड़ों का जीवन बेहतर हो, वहाँ पे भागीदारी नहीं दी जा रही है। तो अभी भी आपको पॉलिटिकल भागीदारी मिल रही है लेकिन राजनीतिक भागीदारी तो मिल रही है लेकिन दिखावे के तौर पे वो भी, लेकिन आपको इकोनॉमिकल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।